तो आज हमारे किचन में हम बनाएंगे पालक पनीर। तो आइए हम देखते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये हमने यहाँ पर दो जोड़ी पालक लेकर साफ करके अच्छे से वॉश करके रखा है, और हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। नमक स्वाद अनुसार लगेगा, हमें थोड़ा हल्दी लगेगा, थोड़ा धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, तेल और 3 टमाटर को हमने पीस के प्यूरी बना लिया है, और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 तेज पत्ता लगेगा, और 1 थोड़ा छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लगेगा। तो सबसे पहले हम एक बर्तन को चढ़ाएंगे और हम उस बर्तन में पानी डालकर पानी को गर्म होने देंगे। तो हमने पहले से ही पानी को गर्म किया है, हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पालक को सब इस पानी में डालेंगे, और इस पानी में हम इस पालक को फास्ट में हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है, 2 से 3 मिनट पकाना है इस पालक को इस पानी में, ताकि पालक का कलर वैसा ही रहे लेकिन पालक थोड़ा पानी में, गर्म पानी में थोड़ा पक जाए। तो देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब हम इस पालक को क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर में पूरा निकाल देंगे, हम गैस बंद कर देंगे और हम सारा स्ट्रेनर में निकाल देंगे पालक को, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, और उसके बाद हम इसको मिक्सर में डाल के हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो जब तक हमारा पालक ठंडा होता है, तब तक हम हमारा मसाला रेडी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे, हमने उसी कढ़ाई को लिया है, और फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा तेल। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और ये हमारी दालचीनी, ये हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बारीक कटा हुआ प्याज। हमने पालक पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, कुछ लोग प्याज को पीस लेते हैं भून के, लेकिन हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो हम प्याज को भूनेंगे अच्छे से, और इसी में हम प्यूरी को ऐड करेंगे। तो फास्ट पे प्याज हमारा पकने के लिए 2 से 3 मिनट लगेगा, इसे लाइट गोल्ड ब्राउन कलर आने तक हमें भूनना है। हमारा ये प्याज गोल्ड ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमें फास्ट पे से 5 से 6 सेकेंड के लिए फास्ट में अच्छे से इसे भूनना है, ताकि उसके अंदर का जो लहसुन और अदरक का जो पानी है वो जल्दी इसमें सोख जाए। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर का प्यूरी जो हमने रेडी करके रखा है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिए। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे स्लो पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए और हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो आइए हम अपने मसाले को चेक करते हैं पक गया है कि नहीं। तो देखिए हमारा मसाला पक चुका है अच्छे से। अगर आपके मसाले के ऊपर ऐसा तेल आ गया, मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक गया, हमारा टमाटर भी पक गया है। अब हमें हमारे पालक को ठंडा करके इसमें हमने 2 हरी मिर्ची डाल के इस पालक को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे
तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है हमारे पालक और मसाले को। हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हमको ऐसा ही कलर का पालक पनीर मिलता है, एकदम मस्त। तो अब हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे हमारे पालक को। तो हमने इसे 1 मिनट पकाया है, अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो पनीर ऐड करने के बाद हम अच्छे से घुमा लेंगे इसे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ध्यान दीजिए, मीडियम फ्लेम पे रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए पकना है। तो हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है, हम चेक करते हैं। तो हमारा पालक पनीर बन चुका है, अब हम गैस को ऑफ करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा पालक पनीर रेडी है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।